गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी कि हमको इन इक्वेशंस का ग्राफ फाइंड आउट करना है एंड डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। यानी कि इन लाइंस से और x एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी हम लोगों को वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है एंड शेड दी ट्राइंगुलर रीजन, और जो ट्राइंगुलर रीजन बनेगा उसको शेड करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन गिवन लीनियर इक्वेशंस। हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस कौन कौन सी दी गई हैं। पहली है आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया है। तो आप लोग जानते हैं हम लोग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं कि भाई इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो मैंने वही लिखा हुआ है, टू डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल की वर्टिसेस डिटरमाइन करने के लिए वी विल मेक सॉल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम इन दोनों के लिए क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वी हैव इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या किया है, ये जो x था उसको मैंने एज इट इज रखा है, बट ये माइनस का y था, ये इक्वल के दूसरी साइड गया तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का 1 था ये इक्वल के दूसरी साइड गया तो ये माइनस का 1 हो गया। चूँकि इक्वेशन 1 का ही दूसरा फॉर्म है तो मैंने इसको भी इक्वेशन 1 ही डाल दिया है, ठीक। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या किया, 3x को मैंने एज इट इज रखा, बट इन दोनों टर्म्स को मैंने क्या किया, इक्वल के दूसरी साइड भेजा है, ये माइनस का 12 था ये इक्वल के दूसरी साइड गया तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का 2y था ये इक्वल के दूसरी साइड गया तो ये माइनस का हो गया 2y। ये 3 यहाँ पर इसके संग मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये इक्वल के दूसरी साइड आया तो ये डिवाइड में आ गया। क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 2 का ही एक फॉर्म है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये 2 डाल दिया है, वेरी सॉरी ये 2 होगा, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये 2 डाल दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पीछे से करते चले आए वैसे ही करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है, एक्स वाई लिख दिया है, यहाँ पर भी मैंने एक बॉक्स बना लिया और एक्स वाई लिख दिया है। तो मैंने पहले क्या करूँगा, पहले मैं इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट फाइंड आउट करता हूँ। तो पहले केस मैंने क्या किया है, आई पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, यानी कि मैं इक्वेशन 1 में y की जगह पर 1 रखूँगा, तो भाई मैंने ये 1 रख दिया है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो जब मैंने 1 रख करके ये सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली है, 0 मिली है, तो मैंने ये 0 कर दी। फिर मैंने दूसरे केस में क्या किया है कि भाई पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि मैंने इक्वेशन 1 में मैंने y की जगह पर 2 रखा है। तो आप लोग देख रहे हो जब मैंने 2 रख करके इसको सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू 1 मिली, यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू 2 रखी तो हम लोगों को x की वैल्यू 1 मिली। फिर तीसरे केस में मैंने क्या किया है, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि हम लोग अब इक्वेशन 1 इस बार इक्वेशन 1 में x y की जगह पर 3 रखना है। तो आप लोग देख रहे हो जब मैंने y की जगह पर 3 रख करके इसको सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू 2 मिली, यानी कि जब हम लोगों ने y की वैल्यू 3 रखी तो हमको x की वैल्यू 2 मिल गई, यानी कि हम लोगों ने इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट ड्रॉ कर लिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भाई आपको एग्ज़ाम में ये सब करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये पॉइंट टेबल बनाओ और इसको पीछे रफली सॉल्व करते हैं और इसको फिलअप कर दो, आपको ये सब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो आप लोग को ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये भाई पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, अब इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट केस में मैंने पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो मैंने y की जगह पर यहाँ पर 0 रखा है। तो आप लोग देख सकते हो जब मैंने 0 रख करके यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली है, 4 मिली है। तो जब हम लोगों ने 0 रखी y की वैल्यू तो हम लोगों को x की वैल्यू 4 मिल गई। दूसरे केस में मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो आप लोग देख सकते हो जब मैंने y की जगह पर ये 3 रख करके इसको सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू 2 मिल गई। तो यानी कि जब मैंने y की वैल्यू 3 रखी तो मुझे x की वैल्यू 2 मिल गई। फिर तीसरे और लास्ट केस में मैंने क्या किया, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में मैंने y की जगह पर 6 रखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो जब मैंने y की जगह पर ये 6 रख करके उसको सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू 0 मिल गई, यानी कि जब लोगों ने y की वैल्यू 6 रखी तो हमको x की वैल्यू 0 मिल गई। तो फाइनली हम लोगों ने लाइन 1 और लाइन 2 के लिए पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग इन पॉइंट्स को एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और जो रीज़न बनेगा उसको फाइंड आउट करेंगे।
तो आप लोग देख सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पर एक्सेस को ड्रॉ कर लिया है, ये मेरी पूरी एक्स एक्सेस है और ये मेरी पूरी वाई एक्सेस है। तो मैं वन बाई वन करके पॉइंट्स को ड्रॉ करता हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पहला पॉइंट है मेरा 0.1, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1। तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई एक्सेस पर होती है और वाई की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, 0.1। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा है आपका, 1.2, यानी एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। एक्स की वैल्यू 1 आपकी ये रही और वाई की वैल्यू 2 आपकी ये रही। तो मैंने क्या किया, इस 2 वाली वैल्यू को मैंने राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा बढ़ाया है और मैं इसको 1 के जस्ट ऊपर लेकर गया है। तो मेरा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 1.2। फिर तीसरा पॉइंट क्या है आपका, 2.3। तो एक्स की वैल्यू 2 ये रही और वाई की वैल्यू 3 ये रही। तो मैंने इस 3 को राइट हैंड साइड पे बढ़ाया है और मैं इसको 2 के जस्ट ऊपर तक लाया हूँ। तो हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 2.3। तो यानी कि हम लोगों ने लाइन 1 की तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जब भाई मैंने तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली, क्योंकि हमारी लाइन एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 के पॉइंट थे, तो इसलिए मैंने इस लाइन को एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 नेम दे दिया। अब हम लोग इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो इक्वेशन 2 का मेरा पहला पॉइंट क्या है, 4.0, यानी एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो भाई देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 4 आपकी ये रही और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 4.0। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका, 2.3, और 2.3 हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। तो यानी कि 2.3 मेरा ये रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। फिर तीसरा पॉइंट क्या है आपका, 0.6, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6 है। तो भाई आपका 0.6 तो आपका ये रहा, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया, 0.6। यानी कि हम लोगों ने लाइन 2 के भी तीनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया। पहला पॉइंट आपका ये रहा 4.0, दूसरा आपका 2.3 और तीसरा आपका 0.6। अब मैं तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जब मैंने 0.6, 2.3 और 4.0 को मिलाया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो यानी कि हम लोगों ने लाइन 2 को भी ड्रॉ कर लिया है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि भाई ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे को 2.3 पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यही क्या होगा, हमारा इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, फ्रॉम द अबव फिगर, यानी कि ऊपर वाले इस वाले फिगर से, इट इज़ क्लियर दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2.3, यानी कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को 2.3 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था कि भाई ये पता करना था कि पहले तो उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों ने सॉल्यूशन 2.3 फाइंड आउट कर लिया है। और दूसरी चीज़ हम लोगों से बोली गई थी कि भाई इन दोनों लाइंस से और इस एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है उसकी आप लोगों को क्या फाइंड आउट करनी है, वर्टिसेस। तो आप देख, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसकी वर्टिसेस क्या है, पहला तो आपकी वर्टिस हो गई 2.3, दूसरा आपका क्या हो रहा है 4.0, और तीसरा क्या है आपका माइनस का 1.0। तो मैं यहाँ पर यही लिख दूंगा, तो एंड सो माइनस 1.0, 4.0 एंड 2.3 आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएंगी, इस ट्राइंगल की वर्टिसेस हो जाएंगी। और एक छोटा सा पार्ट में रह गया है कि भाई आपको जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेडिंग भी करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको हल्का सा शेड कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पर शेड कर दिया है। यहीं पर हमारा सवाल क्या होता है, ये ख़त्म होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि भाई आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करो और इसका ग्राफ आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ग्राफ कवर करता है। तो आपको ग्राफ अपना बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।